वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में स्क्यूनेस मूवमेंट एंड कर्टेसिस की लास्ट क्लासेस है जिसमें हम कर्टेसिस को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अभी तक आप स्क्यूनेस में हम समझ रहे थे कि जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से रहता है। अब यहां पर हम समझेंगे कर्टेसिस के अंदर कि फ्रीक्वेंसी की जो है पीक पॉइंट क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे पीक पॉइंट के बारे में समझते हैं, एक तो काफी अच्छा पीक पॉइंट आपको नजर आ रहा है और इसको आप जो है लैप्टो कहते हैं, और यहां पर प्लेटी, प्लेटी में पीक पॉइंट थोड़ा सा फ्लैटेड टाइप रहता है, दिस वन ऐसा फ्लैटेड टाइप रहेगा आपके पास में। और मेसोकटिक में, मेसोकटिक में आपका जो नॉर्मल होता है ना तो बिल्कुल फ्लैटर होगा और ना ही आपका स्टीपर होगा। और आपके पास में जनरली जो अभी तक आप मूवमेंट में पढ़ते रहे, स्क्यूनेस में पढ़ते रहे, तो उसमें आप कुछ इस तरीके का आप जो है मैस्कोकटिक आप करते रहे। तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपके पास में बेसिकली कटेसिस को हम इस तरीके से बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और इस केस में वैल्यू 3 होती है। और जहां पर आपके पास में लेप्टोकटिक मिलता है तो वहां पर आपके पास में इसकी वैल्यू मोर देन 3 होती है, और प्लेटी में जहां फ्लैटर रहता है वहां पर वैल्यू लेस देन 3 रहती है। तो यहां पर पीक पॉइंट देखते हैं हम। पीक पॉइंट का मतलब कि फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम क्या हो रहा है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। बच्चे देखिएगा, जैसे कि मोड होता है, मोड बेसिकली किस लिए होता है। अब आपको एक फैक्ट्री लगानी है और आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, मान लीजिए आप शूज की फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप हर नंबर के शूज नहीं बना सकते हैं। तो आपके एफर्ट सही रहेंगे कि मैं उस नंबर का शूज बनाऊं जिसके सबसे ज्यादा डिमांड हो, जो सबसे ज्यादा लोगों का साइज हो। छोटे बच्चे में भी एक लिमिटेड छोटे बच्चे तक जाएगा, बुजुर्गों में भी एक बुजुर्ग, बड़ों में भी एक लिमिटेड साइज रहेगा। लेकिन बड़ों में भी बहुत सारे साइज आते हैं, कुछ बहुत बड़े साइज के भी होते हैं, कुछ छोटे साइज के भी होते हैं, कुछ मीडियम, जो कि जनरली लोगों का रहता है। तो आप कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आप उस साइज का आप स्लीपर या शूज बनाना पसंद करोगे जिसके ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, जिसके अंदर लाई करते हैं, जिससे कि आपकी चीजों की डिमांड ज्यादा रहे, आप ज्यादा इस चीजों को सेल कर पाए। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि किस नंबर के सबसे ज्यादा लोग है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से यहां पर आपको यही ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पीक पॉइंट इसलिए देखा जाता है कि भैया फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस डेटा की है। एक्स एक्सिस पे तो आपका डेटा रहता है, तो कौन सा डेटा सबसे ज्यादा पॉपुलर है उस चीज को पहचानने के लिए करते हैं। तो वो अलग अलग वैरायटीज हो सकते हैं कि कई बार बिल्कुल पीक पॉइंट आपको मिल जाता है क्योंकि बिल्कुल वर्टिकल स्टेज में होता है, कई बार ऐसा फ्लैटर रहता है जिसमें कि पीक पॉइंट देखना बड़ा मुश्किल जाता है क्योंकि कहीं पर क्या रहता है, बिल्कुल फ्लैटर रहता है, और कहीं पर आपके पास नॉर्मल सिचुएशन रहती है जो कि आप अभी तक पहले करते आए, तो बीटा की वैल्यू आपकी 3 होगी कटेसिस के। अब सवाल के सर इसका क्या फॉर्मूला, क्या तरीका करने का, तो आपने ऑलरेडी पहले कर रखा है, आज की क्लास में ज्यादा एफर्ट लगने वाला है नहीं, कुछ नया सी सीखोगे नहीं। देखिएगा, मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कटेसिस, तो मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कटेसिस आप निकाल रहे हैं जिसको हम B2 से रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा से। तो बेसिकली क्या होगा, B2 का फॉर्मूला दिया हुआ आपके पास में μ4। ये μ4 आपके पास में क्या होता है, आपको मूवमेंट अबाउट मीन की बात कर रहा हूं, आपको आपने पढ़ा था, आपको याद होगा मूवमेंट अबाउट मीन, याद है आपको मूवमेंट अबाउट ओरिजन, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी ना, क्लियर है। तो ये उसी से रिलेटेड है, तो मूवमेंट अबाउट मीन, तो आपके पास में यू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर है ये फॉर। अब देखिएगा, मेसोकटिक डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, मेसोकटिक डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास, बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, कोफिशिएंट ऑफ कटेसिस क्या रहने वाला है, 3। ध्यान रखिएगा, मेसो डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास में जो रिजल्ट ऑलवेज 3 आएगा, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में 5 है, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में 5 है, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन, तो μ4 की वैल्यू आपने निकालनी है, ये सवाल है आपके पास में। सबसे पहले आपके पास में क्या दिया हुआ है, इस लाइन से क्लियर है आपके पास में कि मूवमेंट कोफिशिएंट अबाउट कटेसिस दिया हुआ है आपको 3, क्योंकि जब भी आपके पास में मेसोकटिक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो वहां पे मेसोकटिक की वैल्यू क्या रहती है, 3। आइए फॉर्मूला लिख देते हैं हम, पहले हमें μ4 निकालना है अपॉन μ2 और इसका स्क्वायर, ये रहता है। तो आपके पास में बेसिकली ये वैल्यू तो गिवन है 3, μ4 तो आपने निकालना ही है। अब ये μ2 कैसे आएगा, μ2 को समझते हैं। सबसे पहले बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में रिलेशन क्या होता है,
आप अच्छे समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो आपके पास में क्या आ जाता है, आपके पास में वेरियंस आ जाता है। क्या आ जाता है आपके पास में? वेरियंस। तो वेरियंस क्या आएगा आपके पास में? 5 का स्क्वायर 25। और आप इस बात को अच्छे समझते हैं कि जो आपका वेरियंस होता है, क्या जो आपका वेरियंस होगा वो वेरियंस आपका मीन अबाउट मूवमेंट अबाउट मीन टू म्यू टू के इक्विवेलेंट होता है। तो बेसिकली ये क्या है आपके पास में? म्यू टू क्या है? 25 है। तो सॉल्व करेंगे यहां पर आप अपना, तो म्यू टू 25 का स्क्वायर, तो 3 μ4/625 1875, तो 1875 आपका म्यू फोर की वैल्यू आई। इस बात को समझ पाए आप? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में प्लेटिकटिक डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द B2 इक्वल्स 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू दिस, फाइंड द फोर मूवमेंट। आपके पास में ऑल वही क्वेश्चन, फोर मूवमेंट अबाउट द मीन आप निकाल सकते हैं ना क्वेश्चन को, फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। कर्टेसिस मूवमेंट 2.5 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 0.8 एंड आप अपना वेरिएंस निकाल सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यू टू बोलते हैं, मूवमेंट अबाउट मीन 0.8 का स्क्वायर कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या आएगा आपके पास में? 64 0.64। और आपके पास फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, कोफिशिएंट अबाउट कर्टेसिस इक्वल्स टू म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर। ये आपके पास में 2.5 है इक्वल्स टू आपके पास पे म्यू फोर जो कि आपने कैलकुलेट ही करना है, और आपके पास है म्यू टू, म्यू टू आपके पास में क्या है 0.64 का स्क्वायर। तो म्यू फोर इक्वल्स टू क्या आ गया? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.64 का स्क्वायर, 0.64 का स्क्वायर 0.4096 इक्वल्स टू 1.024। क्लियर है बच्चे? समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मेसोकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 7 इज 23। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 7 आपके पास में यहां पर ले रहा है एंड द सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इज 1000। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस एंड द फोर मूवमेंट, दोनों चीजें फाइंड करनी है आपको। मेसोकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑलरेडी मैं बात आपसे कर चुका हूं, यहां पे 3 वैल्यू होती है इसके।
डन। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले फ्रॉम अ मैसोकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 7 इज 23। मूवमेंट अबाउट किसी नंबर के अबाउट अगर हमारे पास मूवमेंट गिवन है तो उसको हम रॉ मूवमेंट कहते हैं। उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट नहीं करते, म्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आर द फर्स्ट, फर्स्ट इक्वल्स टू क्या 23। और आप इस बात को भी समझते हैं कि रॉ मूवमेंट जो फर्स्ट है, रॉ मूवमेंट जो फर्स्ट है बेसिकली क्या होता है, एक्स बार माइनस ए होता है, ध्यान रखिएगा। और आपके पास में एक्स बार आपको पास में पता नहीं, आपके पास में ए की वैल्यू गिवन है, ये आपके 23 है ना, और एक्स बार आपको नहीं पता बट ए की वैल्यू गिवन है, ए मतलब जिसके नियरेस्ट टू 7। तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में, एक्स बार इक्वल्स टू आपके पास में 30 आ गया, दिस वन। इस बात को समझिए जो आपके पास में अहम जानकारी है। दूसरी जानकारी आपके पास में, इससे आपने ये निकाला क्योंकि आपके पास में रो मूवमेंट वन क्या होता है, रो मूवमेंट वन इक्वल्स टू मीन माइनस में जिसके नियरेस्ट नंबर होता है, और आपके पास में माइनस ए, ए की वैल्यू तो ए क्या होता है जिसके नियरेस्ट होता है, तो आपके पास में ए आपके पास में था तो एक्स बार निकाल लिया। और ये भी समझिए आपके पास में ओरिजिन अबाउट मीन, फर्स्ट ओरिजिन अबाउट मीन आपके पास में क्या होता है, जो एक्स बार होता है। तो इस बात को समझिएगा कि आपके पास में ये क्या आ गया है, ये आपके पास में 30। कुछ कुछ जानकारी दूसरे से आप रिलेट करके निकालेंगे और ऑलरेडी पहले भी आपने ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करी हुई है। ये बात समझ में आपको आई कि आपने किस तरीके से निकाला, यहां पर कैलकुलेट करा। और आपके पास में एक इंफॉर्मेशन और है, ओरिजिन मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन इज 100, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। सो सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन क्या होता है, म्यू टू प्लस वी वन का स्क्वायर। तो सेकंड अबाउट द मूवमेंट आपके पास में क्या ऑलरेडी गिवन है 1000, म्यू टू आपके पास में है नहीं और आपके पास में वी वन जो कि आपके पास में ऑलरेडी है 30 का स्क्वायर। तो म्यू टू इक्वल्स टू आपके पास में 1000 माइनस 900 एंड म्यू टू इक्वल्स टू आपके पास में आ गया बच्चे 100। अब सॉल्व करेंगे, म्यू टू बेसिकली क्या होता है, म्यू टू इक्वल्स टू आपके पास में होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सॉरी, म्यू टू आपके पास में क्या होता है, म्यू टू आपके पास में वेरियंस होता है, वेरियंस इक्वल्स टू म्यू टू 100। क्लियर है बच्चे, म्यू टू। और आपके पास में आपको पता है कि आपको आपसे पूछ कर रहे हैं द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे निकालोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरियंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे आप, अंडर रूट ऑफ वेरियंस क्या होता है आपके पास में 100। ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चे, इसलिए लास्ट में टॉपिक कवर करवा रहा हूं मैं आपको 10। तो आपके पास पे इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास में गिवन है 10 और हमारे पास में मीन, मीन की वैल्यू क्या है 30 × 100, तो आपके पास में 1/3 33.33% आ गया, दिस वन। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरियंस निकाल लिया एंड द फोर मूवमेंट अबाउट द मीन, फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन निकालना है आपने। एक आपके पास में मैसोकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे, तो मैसोकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास में जो वैल्यू आती है वो बेसिकली क्या होती है, म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। और इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, इसमें वैल्यू इसकी 3 होती है, म्यू फोर तो आपने निकालना है और म्यू टू आपने ऑलरेडी कैलकुलेटर भी करा था, म्यू टू बेसिकली आपके पास में क्या था 100 था, दिस वन, और 100 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपके पास 10,000 और ये आपके पास में 30,000 म्यू फोर की वैल्यू आई। क्लियर है, तो बच्चे देखिएगा पेपर में बहुत आसान सवाल है, बस देखने में पढ़ने में नाम इतने अजीब लगता है कि बच्चे चैप्टर में तो घुसता ही नहीं, लेकिन वही है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही कहानी इसकी चलती है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड धीरज मिश्रा, धीरज मिश्रा भाई टॉप करेगा भाई, सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ आता है इनको। द फर्स्ट फोर मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द, देखिए फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द फोर, फोर के अबाउट है तो रो मूवमेंट है। अरे भैया ये रो मूवमेंट है या नहीं है, क्योंकि अबाउट द फोर किसी नंबर के नियरेस्ट है, तो रो मूवमेंट 1, रो मूवमेंट 2, रो मूवमेंट 3, रो मूवमेंट 4। रो मूवमेंट है, रो मूवमेंट को डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू डैश, तो आपके पास में क्या है -1.5, ठीक है जी होने दीजिए। क्या है आपके पास में 17,
क्या आपके पास में माइनस 30 और क्या आपके पास में 108 रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट मीन. आप मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे. स्क्यूनेस शो वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकटिक और आपके पास में प्लेटिकटिक. तो लेप्टो 3 से अबव वैल्यू तो लेप्टोकटिक है, 3 से बिलो वैल्यू है तो प्लेटिकटिक है. हाँ जी, मूवमेंट अबाउट द मीन निकालना है हमें. तो मूवमेंट अबाउट द मीन सबका निकालने का तरीका क्या होता है, इसका एक फॉर्मुला दिया हुआ मैंने आपके पास में. रो मूवमेंट और मीन, मूवमेंट अबाउट मीन के बीच में रिलेशन. स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस का भी फॉर्मुला आपके पास में. तीनों चीजें फाइंड करो, एक अच्छा फुल फ्लेश क्वेश्चन है. करिए जरा, आप करें पहले फिर मैं करवाता हूं. मूवमेंट अबाउट मीन में तो आपको ये निकालने की जरूरत है ही नहीं ना बच्चों, समझिए इस चीज को. ये क्यों निकालोगे आप म्यू वन? मूवमेंट अबाउट मीन में ये वन क्यों निकालोगे? जीरो ऑलरेडी होता है. ये म्यू टू निकालोगे तो कैसा निकालोगे आप? रो मूवमेंट टू मी म्यू टू, दो टर्म में दो ही आएंगे, दो है तो, और आपके पास में म्यू वन का स्क्वायर पता है ना आपको. तो आपके पास में वही चीज अप्लाई करोगे कि म्यू टू आपके पास में क्या है 17, मूवमेंट अबाउट मीन टू प्लस रो मूवमेंट अबाउट, रो मूवमेंट आपके पास में वन का क्या है माइनस 1.5 का स्क्वायर. 17 इक्वल्स टू 15 का 225, दो के बाद पॉइंट और ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो म्यू टू इक्वल्स टू 17 माइनस 2.25 एंड म्यू टू इक्वल्स टू 17 में से दो गया 15, 16.75 ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? म्यू टू की. इसी तरीके से आप म्यू थ्री भी निकाल सकते हैं. तो उससे कैसे निकलेगा आपके पास में डैश थ्री? तो आपके पास तीन टर्म आएगा, तो म्यू थ्री आ गया आपके पास में, एक थ्री म्यू टू वन और प्लस ये आपके पास में डैश वन का तीन है तो पावर तीन यूज करेंगे. ठीक है बच्चे, टू था तो टू यूज करा, तीन है तीन यूज करेंगे. सॉल्व करेंगे तो रो मोमेंट थ्री आपके पास में क्या है बेसिकली माइनस 30 है एंड म्यू थ्री आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं और थ्री और म्यू टू आपने ऑलरेडी निकाल दिया है 16.75 और म्यू वन आपके पास में माइनस 1.5 और माइनस 1.5 का क्यूब दिस वन. तो माइनस 30 इक्वल्स टू म्यू थ्री, म्यू थ्री आप निकालेंगे क्या रिजल्ट रहा आपका 16.75 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 75.375 सॉरी माइनस करेगा माइनस 75.375 एंड माइनस 1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब 3.375. सॉल्व करेंगे इसको आप, माइनस 30 एंड म्यू थ्री, म्यू टू की वैल्यू कह रहे हो आप 15. अरे यार ये गड़बड़ हो गया, तो सारी कहानी ही गड़बड़ हो गई. 17 दो गया 15 था ऐसे पहुंचा 14.75. चलिए म्यू थ्री की वैल्यू क्या, माइनस 30 म्यू थ्री प्लस थ्री म्यू टू 14.751 माइनस
1.5 एंड -1.5 का क्यूब, -30 म्यू 3 माइनस में आएगा 14.75, 14.75 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 66.375 एंड -1.5 का क्यूब, 1.5 का क्यूब आगे सॉल्व करते हैं. -30 इक्वल्स टू म्यू 3 प्लस 66.375 -71.4375 एंड म्यू 3 इक्वल्स टू 41.4375. सिमिलर आप म्यू 4 भी आप निकालेंगे. म्यू 4 का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपके पास है रो मोमेंट आप 4 का, आप म्यू 4 से स्टार्ट करेंगे. क्लियर है बच्चे? और आपके पास में चार टर्म है टोटल, चार आएगा आपके पास में. तो यहां पे करेंगे 6 म्यू 3 और 6 म्यू 3 म्यू 1 प्लस 4 म्यू 2 डैश 1 प्लस पावर 4 दिस वन. ये फॉर्मूला रहेगा. यहां से आप अपने पास में म्यू 4 की वैल्यू आप निकाल लीजिए. म्यू 4 की वैल्यू आ गई 142.31. म्यू 4 की आई 142.31. तेरे बच्चे अब आपको क्या निकालना है? यहां पर दो चीजें, एक तो आपको स्क्यूनेस निकालना है. एक कार्टेसिस निकालना है. स्क्यूनेस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिएगा स्क्यूनेस, हमारे पास पे म्यू म्यू 3 क्रिस ओवर 2 म्यू 2 रेस्ट टू पावर 3. ध्यान रखिएगा 2/3 उसका रिवर्स 3/2. इसका मतलब क्या होगा? म्यू 3 का पावर 2 और म्यू 2 का पावर 3 आपका निकल जाएगा. और इससे आप अपना कार्टेसिस कैसे निकालोगे? इसको बेसिकली हम और कार्टेसिस कैसे निकालोगे? म्यू 4 म्यू 2 का स्क्वायर. आपको पता नहीं ये आपके म्यू 3 म्यू 2 ये सब तो गिवन आपके पास में है. क्लियर है बच्चे? जब मैं करता तब कैलकुलेटर में गलता जाता है. और कोई मैं इसको खुद कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं. ये क्या हो जा रहा है? ये कैलकुलेटर गलत नंबर बता दे रहा है. मतलब कि कुछ का कुछ हो जा रहा है. प्रेस करने में गलत चीजें प्रेस हो रही है.
ठीक है बच्चे, कर लोगे? ये फुल फ्लैश क्वेश्चन था, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है इस पर को समझ गए। इसको हम बीटा वन से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू थ्री की पावर टू अपॉन म्यू टू की पावर थ्री। और आपके पास में कर्टेसिस की फॉर्मुला ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, कर्टेसिस आपके पास में लैप्टोटिक है या फिर प्लेटिकटिक है, तो प्लेटिकटिक में क्या रहेगा आप चेक कर लेना भैया वैल्यू क्या आ रहा है। तो प्लेटिकटिक में आपके पास में जो है ये वैल्यू लेस देन थ्री आएगा, और लैक्टोकेटिक में आपके पास में जो है वैल्यू मोर देन थ्री आएगा। तो वैल्यू देख करके आप कमेंट कर सकते हो। अब आपके पास में एक क्वेश्चन है, चलिए करिए जरा इसको। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डू यू थिंक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटोकेटिक। चलिए करिए जरा आप पहले। देखो बच्चे, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डू यू थिंक दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिक। सबसे पहले एन है एक्स माइनस 90, 98 क्या है आपके पास में? अबाउट अ एक नंबर है, तो अबाउट अ तो रो मूवमेंट हो गया, ये अबाउट द एक नंबर है, डेटा में से कोई एक नंबर माइनस हो रहा है, रो मूवमेंट है। तो आप इस बात को समझते हैं कि रो मोमेंट अगर मैं वन की बात करूं तो क्या होता है, समीशन, समीशन डेटा में से 90 एक डेटा माइनस करके उसका समीशन, और डिवाइडेड बाय क्या रहता है, पावर वन डिवाइडेड बाय आपका एन रहता है। तो इसी तरीके से आपके पास में वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.5। ये फॉर्मुला वाइज नहीं पढ़ा था हमने, एन म्यू टू रो मोमेंट टू, तो रो मोमेंट टू आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मुला क्या रहेगा आपके पास में, 1970 अपॉन में 100, तो वैल्यू क्या है 19.70। और इसी तरीके से आपके पास में थ्री की वैल्यू क्या रहेगी, तो थ्री की वैल्यू आपके पास में रहेगी 2948 अपॉन 100, सॉल्व करेंगे 29.48, और म्यू फोर के लिए पावर 4 86752 अपॉन में एन, हाँ जी। तो अब हमारे पास में तीन वैल्यू आ गई। अब इसे अबाउट आप म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, म्यू वन तो निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूं आपसे, ये आपके पास में क्या रहेगा, जीरो। म्यू टू निकाल लोगे अपने उसी फॉर्मूले से, म्यू टू प्लस, तो आपके म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर आप निकाल लोगे। जब आपके पास म्यू फोर निकाल लोगे तो आपके पास तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना है, तो आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना, म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, और देख लेना वैल्यूज क्या है आपके पास में, ग्रेटर देन थ्री है, लेस देन थ्री है, या थ्री है, तो उससे आप इसके पास में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको? तो आप ये चीजें मत भूलिए, ये चीजें क्या, ये फॉर्मूला मत भूलिए जो आपने पीछे पढ़ा है, रिवीजन बहुत जबरदस्त फॉर्मूले की आपको करनी पड़ेगी। द फर्स्ट फोर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू टू, तो वही आपके पास में आ गया है। बार बार चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये वन टू रो मोमेंट थ्री रो मोमेंट फोर आपको गिवन है, 1, 2.5, 5.5 एंड 16, और इससे आप ये चीजें निकाल लोगे, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर निकाल लोगे। कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द मीन निकल जाएगा, कमेंट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, नेचर डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास में फिर आपको निकालना पड़ेगा बी टू जो कि होता है 4 अपॉन वैल्यूज, देख लीजिएगा। क्लियर है बच्चे? इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द फाइव आर दिस एंड कैलकुलेट द बी वन एंड बी टू। बी वन बेसिकली क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, स्क्यूनेस होता है ये। क्लियर है बच्चे? ये आपके पास में 2/3 ऐसे याद करता हूं मैं, 3/2, ठीक है? अब ध्यान रखिएगा, तो ये आपके पास में बी वन की वैल्यू होती है, और बी टू तो आपको पता ही है, म्यू फोर म्यू टू,
का स्क्वायर। और आपको ये चीजें, ये म्यू म्यू कहां से आएगा ये आपको पता है ना, आपके पास में गिवन क्या है, आपके पास में रो मोमेंट वन, रो मोमेंट टू, रो मोमेंट थ्री एंड रो मोमेंट फोर। जब रो मोमेंट होता है तो डैश यूज होता है म्यू डैश, और वो आपको गिवन है 2, 20, 40, 50। आपके पास में ये वैल्यूज हैं और यहां पर आपके पास में चीजें हैं, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर निकाल सकते हैं ना फॉर्मूले से। म्यू वन तो निकाल 0, म्यू टू का तो वही फॉर्मूला, म्यू थ्री का फॉर्मूला और म्यू फोर का फॉर्मूला। म्यू टू का फॉर्मूला क्या रहता है आपको पता ही है, म्यू थ्री का फॉर्मूला, म्यू टू का फॉर्मूला। आप म्यू टू फाइंड कैसे करेंगे, अपने फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला बता देता हूं, डैश टू इक्वल्स टू म्यू टू, ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं हम, प्लस इसी तरीके से यहां पे एक हेल्प लोगे, म्यू थ्री प्लस म्यू टू ये जो फॉर्मूला आपका है, क्लियर है बच्चे? तो इन फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं जो भी पहले भी आपने पढ़ा था, और ये आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, देन इसका फाइंड कर लेना है आपने। अब एक्स है और एफ है आपके पास में, मैंने इस केसेस में भी आपको समझा रखा है कि आपको इस केस में किस तरीके से आप अबाउट मीन निकाल सकते हो, अबाउट रो मूवमेंट निकाल सकते हो, सब कुछ अबाउट द मीन ही निकालो डायरेक्ट आपके पास। जब कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द मीन निकालो, भैया इसका मीन निकालो डेटा में से, मीन माइनस करो, और उसके बाद फिर आपके पास में एक्स माइनस एक्स बार कर लोगे, और आपके पास में म्यू वन तो जीरो निकलेगा, म्यू टू का एक फॉर्मूला आपके आपके पास नहीं दिया था क्या मैंने, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। म्यू थ्री का फॉर्मूला स्टार्टिंग में नहीं दिया था आपके पास में, एक्स माइनस एक्स बार का थ्री अपॉन एन दिया था, तो एक्स माइनस वन निकल गया आपके पास में, ठीक है। और एक अगला पास में आपके पास में एक्स माइनस वन का स्क्वायर कैसे आएगा, ये तो आप निकाल लोगे, एक्स माइनस एक्स बार, फिर एफ एक्स माइनस एक्स बार, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा एफ, यहां तो फ्रीक्वेंसी भी है ना, तो फ्रीक्वेंसी लगा दो, एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको आप क्या करोगे वापस इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसको वापस आप क्या करोगे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा वो, फिर निकाल लेना तो आपके पास म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री आ जाएगा। तो फिर क्या पूछ रहा है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से वही सिमिलर चीजें फॉलो होंगी। तो बच्चे अब कुछ नया बचा नहीं, चीजें खत्म हो चुकी है, कंटिन्यूस सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज, जैसे पहले पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है हमने। तो आज आपका मूवमेंट, स्क्यूनेस और कटेसिस तीनों टॉपिक पूरी तरीके से 100% वाइंड अप हो गया, कुछ भी स्किप नहीं करवाया, एक एक क्वेश्चन एक एक चीजें करवाई है, ठीक है। टाइम सीरीज आपका एक यूनिट है जो कि मैं कल से आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं, और टाइम सीरीज यूनिट को हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस महीने के आखिर तक या 4-5 तारीख तक इसको वाइंड अप करें। दिसंबर में आपका एग्जाम एंड ऑफ दिसंबर में शिफ्ट हो गया है, तो दिसंबर के महीने में रेगुलर क्या 2 बार ही पढ़ाना पड़े तो आपका फिर प्रोबेबिलिटी पे एक ही यूनिट पे फोकस रहेगा। स्टडी प्लान के अंदर आपका क्या रहने वाला है, अब एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो मुझे नजर आ रही है कि आप लोगों को अपना एक टेस्ट देना चाहिए, तो मैं अब क्या करूंगा आपका हर एक यूनिट से मैं आपको 25-25 सवाल दे रहा हूं, उस 25-25 सवाल को आप तैयार रखिएगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। बेसिकली 10 ईयर से ही होगा, तो वो मैं आपको दे दूंगा, आप उन प्रैक्टिस के लिए उन 25-25 क्वेश्चनों को आप करने चलिए, असाइनमेंट के तौर पर आप उनको कर लीजिए, आपके प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन मैटर करेंगे, पेपर में आपके उसी मेथड्स पे उसी अप्रोच पे डिजिट चेंज हो जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आपका और ना तो आपके पास क्वेश्चन का तरीका कुछ भी नहीं बदलेगा। तो 25-25 क्वेश्चन यूनिट वाइज मैं कल से आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। पहले किसका प्रोवाइड करें बताइए जरा, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी ही करते हैं क्योंकि फिर आगे का रिविजन आपके लिए आसान हो जाएगा, सब चीज उस पर डिपेंड करता है। तो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी आप अपना रिविजन कर लीजिए, और कल से 25 क्वेश्चन का असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, आपको असाइनमेंट पूरा अपना कंप्लीट करना है। अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी देखिएगा, मैं सही बच्चों को एक बात कहता हूं कि व्हाट्सएप पे मुझे आप, मैं हमेशा 7 से लेकर 9 बजे आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। शाम को संडे नहीं हो पाता हूं, सुबह नहीं हो पाता हूं, दिन में नहीं हो पाता हूं, क्योंकि मैं क्लासेस वगैरह में रहता हूं, तो फिर उसमें नहीं डाउट में कर पाता हूं। 7 से 9 के बीच में आप डाउट व्हाट्सएप क्या भेज रहे हैं, आप सीधा मुझसे आप कॉल पे बात कर लीजिए, तो आप मुझे भेजिए, और उसके बाद आपको कुछ पर्टिकुलर कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, तो 7 से लेकर 9 के बीच में आप मुझे
2 घंटे का समय आपको मैं देता हूं, आप 7 से 9 भी चली ज्यादा है तो फिर आप सिंपल से आप 7 to 8, मैं आपके कॉल के लिए मैंने अपना टाइम ये पूरा फ्री कर रखा है, ऐसे मैं कोई और काम नहीं करता हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट के कॉल पिक करने के लिए टाइम है मेरे पास में, कि मैं स्टूडेंट के कॉल पिक करता हूँ इसमें, फिर उसके बाद में उसका मैं रिप्लाई वगैरह जवाब देता हूँ। तो आप बच्चे यहाँ पर आप देखिएगा 7 to 8, आज की भी बात करें तो आज भी आप 7 से 8 मुझे कॉल कर सकते हैं। अब जो असाइनमेंट दूंगा बच्चों वो असाइनमेंट करना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में टाइम सीरीज के साथ में। आठ बजे कॉल कर लीजिए आप, 8 से 8 बजे कॉल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इनकी एफएम की क्लासेस होती है वो 8:30 तक कॉल कर लें।